परेशान है। किसानों ने गन्ना 6 महीने पहले डाल दिया, किसानों की ये सरकार कोई ध्यान नहीं रख रही। जो ये नाम सौरभ विदोड़ी गांव तुलसीपुर, जो बिजली की FIR जो बिजली विभाग कर रहा है किसानों का, उसके बारे में कुछ कहें? किसानों के बारे में कहेंगे, किसानों का पेमिट नहीं मिलता, किसान तो पेमिट पे गन्ने पे ही निर्भर रहता है, तो वो बिजली का बिल या कर्ज कैसे लौटाएगा? इन्होंने धोखा किया किसानों को, कर्ज माफी की वो दिया बात बताई यार, फिर उनके साथ में कर्ज नहीं माफ करा, किसानों पे दुगने तिगने बिल ठोक दिए इन्होंने। तो एक किसान आप इसको कितना सफल बनाना चाहते हैं? हम इसको कम से कम दिल्ली तक 2 लाख आदमी पहुंचाना चाहते हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान क्रांति यात्रा में सबसे बड़ी है किसानों की समस्या। आज 300 का भी रेट नहीं मिल पा रहा है, और मोदी शुगर मिल है, जो हमारा शुगर मिल है उसने पिछले साल का भी बकाया गन्ने का पेमेंट नहीं किया है, और जो बीजेपी सरकार किसानों की समस्या बनी हुई है उसने आज तक कोई पेमेंट नहीं किया था। जो सबसे पहले जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन गन्ना विकास मंत्री ने यह बयान दिया था कि हम 23 अप्रैल 2018 तक सभी किसान भाइयों का पेमेंट करा देंगे। आज तक किसी भी किसान का पेमेंट नहीं हुआ है। आपके पास में ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। योगी सरकार ने ये कहा था कि हम बिजली का बिल बिल्कुल माफ कर देंगे किसानों का, उसने कुछ नहीं किया। बिजली का जो कनेक्शन है वो फ्री देंगे, उसमें भी आज तक कुछ नहीं किया है। और जो 1 लाख कर्जा है वो नाम मात्र का, मुश्किल से 10% लोगों का कर्जा माफ हुआ है, उसमें भी कहते हैं कि आप ब्याज जमा करो जब आपका कर्जा माफ होगा। किसान है, आज ट्रैक्टर पे GST लगा दिया है, किसान जाता है हर चीज पे GST है, कहने वाला कोई नहीं है। अभी एक हादसा हुआ है वहाँ पे, एनकाउंटर कर दिया गया है उसका पूरी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल लाचार है, कानून का व्यवस्था बिल्कुल लाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी भी महकमे में आप चले जाओ भ्रष्टाचार व्याप्त है, और पिछली सरकार से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हमने आज चुनी थी, हमने आज चुनी थी अच्छी करके, और यहाँ इतनी जल्दी पहुंच गई, अब हम इससे और ज्यादा तबाह हो गए। हर गन्ने का सही समय सताई, पर हम कांग्रेस बढ़िया थी, मोदी चलो कांग्रेस बढ़िया थी। नहीं है बिल्कुल नहीं, जो इन्हें वादा करते सब छुट्टे करती है, उन्हें आप 5 साल हो रहे हैं कोई ना भाई पूर्ति नहीं करी, इसलिए हमने चुनी थी। पूछिए भाई साहब आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? हम सरकार उसके लिए अच्छी लगती है जो किसान मजदूर काम करेगा, अभी मजदूर किसान जो मजदूर किसान काम करा वो किसान वो सरकार अच्छी लगती है। और बीजेपी जो हमने जिस भरोसा सरकार जिस लिए चुनी थी उसका भरोसा करेगा, वो भरोसा वाला कोई नहीं टूट गया। ये तो एक छोटा सा
किसानों को जो है भाई यार हो रही है।